आत्म उन्नति के सोपान। जागृत आत्मा का लक्षण है सत्यम शिवम और सुंदरम की ओर उन्मुखता, गलती को ढूंढना, मानना और सुधारना ही मनुष्य का बड़प्पन है। सुखी होना है तो प्रसन्न रहिए, निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए। वही उन्नति कर सकता है जो स्वयं को उपदेश देता है। भलमन साहत का व्यवहार करने वाला एक चमकता हुआ हीरा है। उत्कृष्टता का दृष्टिकोण ही जीवन को सुरक्षित एवं सुविकसित बनाने का एकमात्र उपाय है। मनुष्य का अपने आप से बढ़कर न कोई शत्रु है न मित्र, परोपकार से बढ़कर और निरापद दूसरा कोई धर्म नहीं। कर्मयोग ही संसार में ऊंचा उठने का श्रेष्ठ साधन है। विषम क्षणों में भी स्वभाव को सुंदर बनाए रखना साहस है। सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए पग पग पर शिक्षक हैं। पूर्वजों की स्मृति में वृक्ष लगाना एक उच्च कोटि का श्राद्ध तर्पण है। स्वर्ग और नरक मनुष्य के ज्ञान और अज्ञान का ही परिणाम है। इस युग की सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र नहीं सद्विचार है। किसी को आत्मविश्वास जगाने वाला प्रोत्साहन देना ही सर्वोत्तम उपहार है। खाली बैठे मनुष्य का दिमाग शैतान का कारखाना है। पाप अपने साथ रोग, शोक, पतन और संकट भी लेकर आता है। अपने जीवन को प्यार करो तो वह तुम्हें प्यार करेगा। युग निर्माण का आरंभ परोपदेश से नहीं वरन आत्म सुधार से होगा। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुल, देश और काल का कोई बंधन नहीं है। अभिमान एक नशा है जो मनुष्य को अंधा बना देता है। स्वर्ग शब्द में जिन गुणों का बोध होता है, सफाई और शुचिता उनमें प्रमुख हैं। दो याद रखने योग्य हैं, एक कर्तव्य और दूसरा मरण। कर्तव्यों के विषय में आने वाले कल की कल्पना एक अंधविश्वास है। जीवन एक पाठशाला है जिसमें अनुभवों के आधार पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। सज्जनता और मधुर व्यवहार मनुष्यता की पहली शर्त है। सेवा में बड़ी शक्ति है, उससे भगवान भी वश में हो सकते हैं। जो जैसा सोचता है, करता है, वह वैसा ही बन जाता है। स्वाध्याय एक वैसी ही आत्मिक आवश्यकता है जैसे शरीर के लिए भोजन। आत्मनिरीक्षण इस संसार का सबसे कठिन किंतु करने योग्य कर्म है। ज्ञान की आराधना से ही मनुष्य तुच्छ से महान बनता है। हर व्यक्ति की एक ही जाति है और वह है मानव जाति। अपने कार्यों में व्यवस्था, नियमितता, सुंदरता, मनोयोग तथा जिम्मेदारी का ध्यान रखें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।